नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार। मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार राय, बात बेबाक सच के साथ। अभी त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव का माहौल चल रहा है और प्रखंड क्षेत्र बछवाड़ा में 8 दिसंबर को 10वें चरण का मतदान होना है, साथ ही 10 दिसंबर को रिजल्ट आएगा। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे प्रत्याशी अपनी ताकत पूरी तरह झोंक चुके हैं। हम अभी मौजूद हैं रानी तीन पंचायत में, और रानी तीन पंचायत में जनसंपर्क करते हुए एक प्रत्याशी से मुलाकात हुई। हम उन प्रत्याशी से जानने का प्रयास करेंगे कि आप किस पद से चुनाव लड़ रहे हैं, और आखिरकार यदि सफलता आपको मिलती है तो आप इस क्षेत्र में क्या विकास कार्य करेंगे। हम इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आपका क्या उद्देश्य है और आप किस पद से चुनाव लड़ रहे हैं। सर्वप्रथम बीटी न्यूज बिहार आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। आपको भी नमस्कार, और आपके माध्यम से हम अपने रणनीति के जितने भी जनता है उन सभी को नमस्कार करते हैं। मेरा नाम रॉबिन्स राज हुआ और रानीगंज के वासी हूँ, वार्ड नंबर 2 से, और पंचायत समिति के उम्मीदवार हूँ, क्षेत्र संख्या 16। आपका क्या उद्देश्य है चुनावी मैदान में आने का? मूल उद्देश्य, ऐसे तो सभी लोग कहते हैं कि जनता का सेवा करना है, सेवा करना ही है, लेकिन मूल उद्देश्य है कि जो भी आप केंद्र सरकार से या बिहार सरकार से जो भी आता है ब्लॉक के माध्यम से, उन सारी सुविधाओं को अपने जनता तक पहुंचाना, जो कि पिछले 15 साल से हमारे कोई भी पंचायत समिति न बछवाड़ा में अपनी उपस्थिति ब्लॉक पर दर्ज करवा पाए हैं, और ना ही वो सुविधा को अपने आम जनमानस को उस सुविधा से फलीभूत कर पाए हैं। आपका शिक्षा और स्वास्थ्य पर क्या फोकस रहेगा? सबसे मेरा देखिएगा, मेरा ये संकल्प पत्र भी मैं पहला उम्मीदवार हूँ रानी तीन ग्रामवासी में, जो संकल्प पत्र मैंने दिया है पंचायत समिति में, उसमें सबसे पहला है कि शिक्षा की गुणवत्ता, जो हमारे हाई स्कूल है या मिडिल स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता पूर्ण रूप से खत्म सी हो गई है, उस गुणवत्ता में सुधार की का मैं प्रयास करूंगा। और स्वास्थ्य के लिए, जैसे कि यहाँ देखिएगा, मैंने अपने उप स्वास्थ्य केंद्र बनवाने के लिए संकल्पित रहूंगा, मैंने दिया है। हो सकता है कि ये पंचायत समिति के माध्यम से मैं ना कर पाऊँ, लेकिन मेरा जो रेंज है, चाहे वो मैं भाजपा से भी हूँ, और मेरा जो रेंज है उसमें मैं पूर्ण प्रयास करूँगा कि अपने रानी तीन में एक उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण इस पंचवर्षीय मतलब पूरा होने से पहले मैं करवा लूँ। आप इससे पूर्व कभी चुनावी मैदान में आए थे? नहीं, ये मेरा प्रथम चुनाव है। इससे पहले मैं चुनाव अन्य लोगों के लिए प्रचार प्रसार का काम या लड़वाने का काम करता रहा हूँ, लेकिन ये मेरा पहला चुनाव है। आपको निर्वाचन क्षेत्र संख्या 16 में ऐसी क्या कमियां आपको दिखी कि आप सोचे कि हम चुनावी मैदान में आते हैं तो वह कमियां दूर होगी? सबसे मैंने कहा ना, सबसे पहले कि जैसे किसान कृषि इनपुट है, इस तरह की जो भी चीजें आती है ब्लॉक के माध्यम से, हमारे आम जनता के बीच बिल्कुल ही नदारद रहे हैं पंचायत समिति, जिसके कारण कोई सुविधा अभी तक हमारे आम जनमानस को नहीं मिल पाया है, उसको सही ढंग से उसका लाभ नहीं ले पाया। उस कमियों को सबसे पहले दूर करूंगा, और एक मजबूत आवाज बनकर रानी तीन का मजबूत आवाज बनकर बछवाड़ा प्रखंड बछवाड़ा ब्लॉक में बनके रानी तीन के लिए उभरूंगा। आप कह रहे हैं कि हम भाजपा से हैं, आप हमें यह बताइए कि वर्ष 2020 में एक भयावह आपदा पूरे विश्व में थी, कोरोना काल का दौर चल रहा था, उस कोरोना काल के दौर में आपने रानी तीन पंचायत के आम आवाम के लिए क्या काम किया? रानी तीन के आम आवाम के लिए राशन वितरण, देखिए जैसा कि हम किसी पद पे नहीं थे, सरकारी पद पे नहीं थे या कहीं से नहीं था, लेकिन निजी फंड से मतलब इधर आसपास से एकत्रित करके कुछ जनताओं के लिए राशन का भी वितरण किया, सैनिटाइजर और मास्क का वितरण किया, और अगर उस समय के सोशल मीडिया को आप देखते होंगे तो बाहर से जितने भी आम जनमानस आते थे, आम जनता, जिसमें ये प्रथम कोरोना की मैं बात कर रहा हूँ, उन सब के लिए मतलब उनका ये टेस्टिंग के लिए ब्लॉक से डॉक्टर को बुलवाना या उनको डॉक्टर तक ले जाना, ये सब मैं कंटिन्यू करता रहा। सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार आप बेबाक बोल के लिए जाने जाते हैं, आप वैसे भाजपा युवा नेता हैं, इस संबंध में आपका क्या कहना है? बेबाक तो मैं बोलता ही हूँ, और आगे भी मेरी यही छवि रहे, यही मैं ही चाहता हूँ। अब यदि आपको निर्वाचन क्षेत्र संख्या 16 से यदि सफलता मिलती है, यहाँ के मतदाता एवं आम आवाम के लिए आपकी प्रथम प्राथमिकता क्या रहेगी? सर, प्रथम प्राथमिकता रहेगी शिक्षा के व्यवस्था और उसकी शिक्षा जो गुणवत्ता पूर्ण हो, या +2 ही हमारे विद्यालय हो गए हैं लेकिन उसमें
पढ़ाई नहीं शुरू है। हाई स्कूल में अभी 3 दिन स्कूली शिक्षा में 3 दिन बच्चे जाते हैं, 3 दिन बच्चियां जाती है। लड़का के लिए अलग क्लास चलता है 3 दिन का और 3 दिन लड़कियां चलती हैं। तो ये कहीं से भी एक अच्छे गांव की इस तरह की ये निशानी नहीं है। इसमें सुधार होना ही चाहिए क्योंकि आपके गिरते शिक्षा के स्तर को ये बताता है। इसमें सरकार दोषी है या सरकारी व्यवस्था दोषी है, इस पर ध्यान देना। आपका जो संकल्प है वो संकल्प क्या विवरण कर सकते हैं? संकल्प मेरे हाथ में है। सबसे पहला है कि आपके पंचायत के अधिकार है उस समस्या को प्रखंड में मजबूती से उठाऊंगा, जो मैंने आपको कहा भी। दूसरा है वार्ड संख्या 1 से 8 जो कि मेरा चुनावी क्षेत्र है, उसमें प्राथमिकता पूर्वक जल निकासी की व्यवस्था की जाएगी। जहां भी जिन लगेगा हमें कि प्राथमिकता से इनके लिए जल निकासी के लिए नाला निर्माण हो, इस तरह का जो भी हो उसका निर्माण करवाने की हम व्यवस्था करेंगे। दूसरा है कि मैंने लिखा है ब्रह्मस्थान में मिट्टी भराव एवं अनंत धर्म स्थल के सौंदर्यीकरण के लिए संकल्पित रहूंगा। हमारे यहाँ ब्रह्म बाबा हैं, उसमें मतलब अगर एक तो बिहार में जाति की राजनीति होती है, अगर उस हिसाब से देखिए तो बहुत सारे लोगों के लिए वो ब्रह्म बाबा वहाँ पूजा करने के लिए आते हैं, उनको भी ऐसे ही छोड़ दिया गया था। बीच में उनके मूर्ति के स्थापना में भी मैंने सक्रिय भूमिका निभाया और उसके बाद उस पर मिट्टी भराई का है काम होना है। साथ साथ मैंने दिया है कि अन्य धर्म स्थलों के सौंदर्यीकरण के लिए भी मैं तत्पर रहूँगा। उसके बाद विद्यालय की शिक्षा की गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए संकल्पित रहने का मैंने बार बार आपको कहा ही। खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए सदैव संकल्पित रहा हूँ और रहूँगा। आंगनबाड़ी एवं आशा कर्मी की तमाम समस्याओं को प्रखंड में आवाज उठाने के लिए संकल्पित रहूंगा। आंगनबाड़ी और आशा कर्मी के लिए आप जानते हो कि भ्रष्टाचार से अभी तक लिप्त रही है ये संस्थाएं, जिसके लिए और ब्लॉक में कोई भी मजबूत आवाज बनके ना CDPO से बात कर पा रहे हैं, क्योंकि फुर्सत पहले उसके लिए किसी भी पंचायत समिति को या किसी भी जनप्रतिनिधि को होना चाहिए। यहाँ देखा गया है कि जनप्रतिनिधि उसी चीज के लिए संकल्पित रहते हैं जिसमें उन्हें आमदनी होती है, तो वो नहीं है ना। अगर आप जनता की सेवा के लिए क्षेत्र में आए हैं तो आमदनी के लिए नहीं आइए। कुछ ऐसा आमदनी कीजिए लेकिन कुछ ऐसा काम भी कर जाइए जिससे आम जनमानस को फायदा हो। तो मेरा ये वादा रहा कि इसमें जो भ्रष्टाचार है उसको मुक्त करने का प्रयास करेंगे और सबसे लास्ट से पंचायती राज के अंतर्गत मिलने वाली सुविधाओं को भ्रष्टाचार से मुक्त करने का मैं प्रयास करूँगा। तो इसके लिए भी सदैव संकल्पित रहूँगा और मेरा पूर्ण प्रयास रहेगा कि जो भी काम हो पंचायती राज के अंतर्गत उसमें भ्रष्टाचार से मुक्त काम हो और हमारे आम जनमानस को अगर 1 रुपया सरकार की तरफ से मिलती है तो 1 की 1 नीचे तक आए। ऐसा नहीं है कि 1 के बदले साइड से कुछ पैसा देना भी पड़ जाए। आप जो संकल्पित वादा कर रहे हैं वह निश्चित तौर पर क्या चुनावी वादा तो नहीं है? इसे मैंने अपने आम जितने भी हमारे जनता मालिक हैं उनसे मैंने निवेदन किया है कि इसको अगर सहेज के रखिएगा और अगली बार जब मैं चुनाव में फिर से आऊँगा तो आप हमको बताइएगा कि इस बिंदु में कितनों को मैंने कर पाया या टच करने का प्रयास किया, ये आप बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। आप निर्वाचन क्षेत्र संख्या 16 के सम्मानित मतदाताओं के बीच क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से अपने आम जनता से यही अपील करूंगा कि आप एक बार विश्वास कीजिए और मैंने सदैव खड़ा रहने का प्रयास किया है और आगे भी करूंगा और आपके सुख दुख में सहभागी रहूंगा। और जहाँ भी आप हमको ढूंढिएगा, मेरा संकल्प पत्र में मेरे पास 2 मोबाइल नंबर है, दोनों मैंने देने का काम किया है। अगर आपको कहीं भी लगे उस आपको अगर लग रहा है कि पंचायत समिति का काम नहीं है, लेकिन तब भी अगर आप हमको अगर आप सूचित करते हैं किसी भी अन्य प्रकार के कार्य के लिए, चाहे वो ब्लॉक के माध्यम से हो, थाना के माध्यम से हो, इस तरह का जो भी काम है डिस्ट्रिक्ट का ही काम है, अगर आप एक बार कहिए और मैं उसको करने के लिए हमेशा तत्पर हूँ। तो हमारे साथ मौजूद थे निर्वाचन क्षेत्र संख्या 16 से पंचायत समिति उम्मीदवार रॉबिन्स राज। आपने इनकी बातों को सुना। हालांकि अभी चुनावी दौर चल रहा है, चुनावी दौर में आपको अनेक प्रत्याशी तमाम प्रकार के चुनावी वादे तो करेंगे, लेकिन आपको उन्हीं में एक प्रत्याशी का चयन करना है जो प्रत्याशी आपके क्षेत्र को, आपके पंचायत को एक नई दिशा की ओर ले जाए। मैं निर्वाचन क्षेत्र संख्या की एक एक भौतिक स्थिति से आपको अवगत कराऊंगा। अभी हम निर्वाचन क्षेत्र संख्या 16 में मौजूद हैं और निर्वाचन क्षेत्र संख्या 16 रानी 3 पंचायत का हिस्सा है और हमारे साथ पंचायत समिति उम्मीदवार रॉबिन्स राज मौजूद थे। आपने इनकी बातों को सुना। अब आपको तय करना है कि हमें किस
प्रत्याशी को चयन करके कुर्सी पर बैठाना है। तो मैं निर्वाचन क्षेत्र संख्या 16 की लगातार एक एक भौतिक स्थिति से आपको अवगत कराऊंगा और साथ ही रानी 3 पंचायत के विकास कार्यों के से भी मैं आपको अवगत कराऊंगा। तो लगातार आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए बिहार। कैमरामैन रोहित कुमार के साथ दीपक कुमार राय की रिपोर्ट।